प्रेम कुमार वर्मा ट्रेडर्स चैनल पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चाहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग। चैनल का 5/5 रूल आपकी वेल्थ को प्रोटेक्ट करने के काम आएगा। अगर पेनी स्टॉक में निवेश करते हैं तो एक स्टॉक में मैक्सिमम 5% तक का निवेश कीजिएगा और एक स्टॉक में मैक्सिमम 5% तक का अपना कैपिटल ही निवेश कीजिएगा, चाहे वो रिलायंस इंडस्ट्रीज ही क्यों ना हो। अगर हमारी ट्रेड्स को कॉपी करना है तो यूट्यूब के पेड मेंबर बन सकते हैं 299 का एडवांस पैकेज लेकर। यस बैंक ने आज काफी अच्छा सितंबर का नतीजा दिखलाया है। इसका टारगेट शॉर्ट टर्म का 22 रुपए है, लॉन्ग टर्म का टारगेट 50 रुपए के ऊपर रहेगा। अभी अभी आई है बहुत बड़ी खबर जिसमें यस बैंक ने किया है बहुत बड़ा खुलासा यहां पर अपने डाटा के रेफरेंस में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिवील किया है आज कि यहां पर क्रेडिट ऑफटेक काफी अच्छा चल रहा है, जो कि 16% की रेट से बढ़ रहा है और ये सितंबर में ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर इतना हुआ है। करंटली ग्रोथ हैज बीन अक्रॉस द बोर्ड, चाहे आप रिटेल सेगमेंट की बात करें, चाहे आप सर्विस सेगमेंट की बात करें, चाहे एग्रीकल्चर सेगमेंट की बात करें। और अक्टूबर का मंथ तो फेस्टिव मंथ होता है जहां पर काफी अच्छे से क्रेडिट ऑफटेक बढ़ता है। तो ये एक पॉजिटिवनेस आ रही है स्टॉक मार्केट में जो इन स्टॉक को फिर से ऊपर लेके जाएगी। अगर लोन ग्रोथ की बात की जाए तो लोन ग्रोथ रेट इनकी करीब करीब 12% के रेट से बढ़ी है, जो कि एक फिनोमिनल ग्रोथ मानी जाएगी। अगर इंडस्ट्री लीडर की बात करें तो यहां पर इंडसइंड बैंक का करीब करीब 18% के आसपास ग्रोथ है, जो हाईएस्ट है करंटली इस टाइम पर। उसके बाद में यस बैंक का ही रिजल्ट आया जो 12% के आसपास आया है। और ये प्री फेस्टिव सीजन जो प्राइवेट सेक्टर यस बैंक ने पोस्टेड अ वेरी चीयरफुल नंबर, करीब 11.6% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ। और साथ साथ में इनके जो एडवांस है अब 1.9 trillion इंडियन रुपीज के आसपास है यहां पर। तो ये एक ओवरऑल पॉजिटिव न्यूज समझी जाएगी। यस बैंक की ऑफिशियल न्यूज कंफर्म हो चुकी है। इसका मतलब क्या होगा, अगर डिपॉजिट को देखें तो डिपॉजिट करीब 13% के रेट से बढ़ा है। तो इन दोनों के बेसिस पर क्लियर इंडिकेट हो रहा है कि ऑन एवरेज 12% के आसपास बैंक की अर्निंग ग्रोथ होगी। तो अगर सिंपल बात की जाए तो यहां पर पैट की जो उम्मीद लगाई जाएगी वो 200 करोड़ के आसपास होनी चाहिए इस क्वार्टर में, जो क्वार्टर ये अभी खत्म हुआ है। तो ये एक अच्छी बात है, सितंबर का क्वार्टर खत्म हो गया और इसमें 20% 12 से 20% के आसपास अगर ग्रोथ दिखाई दी प्रॉफिट में तो 200 करोड़ के आसपास ये अपना प्रॉफिट दिखाएगा। इनका डिपॉजिट अगर ओवरऑल देखें तो डिपॉजिट यहां पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 13.2% बढ़ा है और 1.9 ट्रिलियन इनके डिपॉजिट है करंटली। और ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में ऑलरेडी लिस्टेड इन्फॉर्मेशन हो चुकी है। कासा का रेशो 31.3 के आसपास है कंपेयर टू 30.3 पिछले साल के मुकाबले यहां पर। साथ साथ में प्रशांत कुमार जी ने डेफिनेटली यस बैंक की एक कायापलट की है। बैंक को किस तरह से मैनेज करना है वो उनकी रगों में बसा हुआ है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के वाइस चेयरमैन थे और उसके बाद उन्होंने यस बैंक की कमान संभाली और पिछले 2 सालों में इसको फुल्ली ऑपरेशनल एंड प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाकर छोड़ दिया है। देखिए अगर टोटल एसेट की बात की जाए, टोटल एसेट की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ सबसे ज्यादा एचडीएफसी बैंक की है, जो कि 20%। उसके अलावा जो नेक्स्ट हाईएस्ट है वो है यस बैंक। तो देखिए प्राइवेट सेक्टर में एचडीएफसी बैंक को टक्कर दे रहा है, आईसीआईसी बैंक नहीं टिका उसके सामने, एक्सिस बैंक नहीं टिका इसके सामने, कोटक बैंक नहीं टिका। यहां पर सबसे बढ़िया खबर यस बैंक ने बहुत ही पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया है। दूसरा पैरामीटर अगर देखें तो रिटेल क्रेडिट ऑफटेक अगर ग्रोथ की देखी जाए तो इसमें एचडीएफसी बैंक को भी पीछे छोड़ा, आईसीआईसी बैंक को पीछे छोड़ा 24%, एक्सिस बैंक 25%, सिर्फ कोटक बैंक है जो इससे आगे निकला है, वरना यहां पर 42% की यस बैंक ने ऑफटेक दिखाई है। बहुत ही शानदार नतीजे रहेंगे इस बार क्वार्टर में। अगर अगला पैरामीटर देखें तो एम्प्लॉय की कॉस्ट, देखिए एचडीएफसी बैंक एक हाईएस्ट बैंक माना जाता है, इनके पास में करीब करीब यहां पर जो एम्प्लॉय की कॉस्ट आ रही है ईयर ऑन ईयर अप्रोक्सीमेटली, यहां पर इनका एक्सपेंसेस 26% के रेट से बढ़ा है और करंटली एम्प्लॉय की कॉस्ट ओवरऑल 3,500 करोड़ के आसपास है। वहीं यस बैंक की अगर देखें तो केवल 826 करोड़ के आसपास है। तो इस हिसाब से इनकी कॉस्ट काफी कम है, ईयर ऑन ईयर एक्सपेंशन भी इतना ज्यादा नहीं हो पा रहा है इसमें। डिपॉजिट अगेन एचडीएफसी बैंक के बाद में यहां पर उनको टक्कर दे रहे हैं सिर्फ और सिर्फ एक बैंक यस बैंक। आईसीआईसी बैंक 13%, एक्सिस बैंक 14% और आपका कोटक बैंक करीब करीब 10% के आसपास ऑफटेक दिखाया है। तो ये बहुत ही पॉजिटिव ट्रेंड है हमारे हिसाब से। इसमें हमारा व्यू दिस विल ट्रिगर अ पॉजिटिव मोमेंटम फॉर स्टॉक ऑन
6 अक्टूबर, 5 अक्टूबर की छुट्टी, इस बात को ध्यान रखिएगा। पर थोड़ा सा नेगेटिव भी समझिए, नीचे की तरफ से अगर मार्केट कहीं से नेगेटिव व्यूज लेके आता है तो ये सारे के सारे बैंकिंग सेक्टर नीचे गिरेंगे। बट उसके अलावा अगर स्टॉक स्पेसिफिक देखा जाए तो ये ज्यादा पॉजिटिव खबर रहेगी हमारे हिसाब से, पॉजिटिव मोमेंटम चलेगा और शायद ये 18 के ऊपर जाकर अब रुकेगा हमारे हिसाब से अगले दिन ट्रेडिंग जब होगी। इन्होंने स्लाइड का इंप्लीमेंटेशन किया है, सिक्योर लॉजिस्टिकल डॉक्यूमेंट एक्सचेंज लिमिटेड, गवर्नमेंट की एक स्पेसिफिक इनिशिएटिव है जिसमें आप डॉक्यूमेंटेशन एंड पेमेंट्स को प्रोसेस करा सकते हैं टाइमली बाउंड मैनर विद ट्रांसपेरेंसी। इंपॉर्टेंस इनवर्ड आउटवर्ड और एजुकेशन पर्पस पर सब जगह पर इनका होता है, इंक्लूडिंग पेमेंट डॉक्यूमेंटेशन सारे के सारे यहां पर है। देखिए फिनटेक कल्चर बढ़ता जा रहा है, मिलेनियंस बैंक में जाना पसंद नहीं करते हैं, वेरिएबल से अपना पेमेंट करने की कोशिश करेंगे, क्रेडिट कार्ड भी नहीं लेके जाना चाहते हैं। तो ये इस हिसाब से जैगल के साथ में इन्होंने पार्टनरशिप अनाउंस की है, पे ऑन द गो, और ये रुपी नेटवर्क पर काम करेगा और यहां पर नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCI के थ्रू इन्होंने ये पावर्ड किया गया है। तो बहुत ही पॉजिटिव खबर है, फास्ट कॉन्टेक्टलेस पेमेंट कर रहे हैं, कैफेटेरियाज एंड अदर में इन्होंने यहां पर इसका शुरुआत कर दिया। दिस विल लीड टू जंप इन रेवेन्यू एंड फीस एंड न्यू जनरेशन बैंकिंग एज वेल। तो ULIP पेमेंट भी इन्होंने कर दिया है शुरू और यहां पर मैप इंडिया, यूएस बैंक, यस बैंक एंड अदर एक्टिविटीज इसको काम करेंगी यहां पर, इस तरह से जैसे यूएस के बैंक्स काम करते हैं वैसे ही अब ये यहां पर काम कर रहे हैं। स्टेक सेल अप्रूवल हो गया है, RBI का एक्शन, नवंबर तक हमारे हिसाब से स्टेक सेल हो जाना चाहिए 9,000 करोड़ रुपया दोनों को, एडवर्ट एंड कार्ले को इन्होंने कंफर्म कर दिया है अपना स्टेक सेल, और अमेरिका अप्रूवल आगे बाकी है और जैसे अप्रूवल आता है पॉजिटिव रहेगा। टेक्निकली ये स्टॉक बहुत ही पॉजिटिव बॉस है, 15 रुपए के आसपास काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट से बाउंस बैक किया है, हम इसको कंटिन्यूअसली कवर कर रहे हैं और कह रहे हैं आप इसको खरीदिए। आज 16 रुपए 65 पैसे पर इसने 52 मूविंग एवरेज को क्रॉस ओवर कर दिया है, तो बहुत अच्छा मोमेंटम है। जैसे हमने कहा यहां पर म्यूचुअल फंड्स को काफी बड़े लेवल पर खरीद रहे हैं और देखिए आपको दिख रहा होगा किसी भी दिन इसने कंसोलिडेट किया और 15 रुपए के नीचे नहीं आया, अब इसका बेस शिफ्ट हो गया 15 रुपए के आसपास जो कि इसका पॉजिटिव मोमेंटम चलेगा। आज का वॉल्यूम करीब 112 मिलियन शेयर हैंड एक्सचेंज हुए हैं और यहां पर अगर देखें तो इसका ओवरऑल एलिगेटर इंडिकेटर के एक पैरामीटर पर इसने ऑलरेडी बाय सिग्नल जनरेट कर दिया है। सुपर 10 के बेसिस पर 17 रुपए का एक रेजिस्टेंस रहेगा हमारे हिसाब से, जैसे ही 17 रुपए तोड़ेगा तो 20 रुपए तक जा सकता है। RSI 50 परफेक्ट न्यूट्रल जोन है यहां पर। वोटेक्स इंडिकेटर जो सेल पैरामीटर मेंटेन किया होता अब शायद ये खत्म हो जाएगा बहुत जल्दी। अगर बुलियन बैंड को देखें तो बैंड के लोअर हिस्से से काफी अच्छा बंप दिखाया, देखिए यहां से बैंड से निकला और यहां से बढ़कर ये अब ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है। सबसे पहला टारगेट बुलियन बैंड के बेसिस पर भी इसका 18 रुपए के आसपास है, तो शॉर्ट टर्म के ट्रेडर्स 18 रुपए तक के लिए इसको होल्ड करके सकते हैं। मैकडी ने इसको बाय सिग्नल जनरेट करने की शुरुआत कर दी है, 4 कैंडल कंटिन्यूअसली ग्रीन बन चुकी है इसकी। अगर हमारे साथ जुड़ना है ट्रेनिंग के लिए मेल ड्रॉप करेंगे। जय हिंद जय भारत।